अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि अब आवाम की आंखों से पुलिस का खौफ तकरीबन ख़त्म हो चुका है। एक ज़माना ऐसा था कि जब पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करने आ जाती तो मोहल्ले में जो साइड पर लोग खड़े होते वो भी जल्दी से भाग जाते, साइड पर छुप जाते कि कहीं पुलिस हमें भी साथ गिरफ्तार ना कर ले। तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर 15-16 माह से जो जुल्म सितम किया गया उसके बाद आवाम की आंखों से खौफ बिल्कुल निकल चुका है पुलिस का। ये शख्स वीडियो बना रहा है, इमरान खान साहब के झंडे के कपड़े इसने पहने हुए हैं, टोपी पीटीआई की पहनी हुई है, हाथ में पीटीआई का झंडा है और इसको ये भी पता है कि पुलिस ने अगर उसे देख लिया तो उसको डायरेक्ट गिरफ्तार करेगी। जब पुलिस पीछे से आ रही होती है तो ये शख्स उसको कहता है कि देखो पुलिस वाला आ गया है, तो वो मुस्कराने लग जाता है और बड़ी खुशी से पुलिस को अपनी गिरफ्तारी पेश कर देता है। पंजाब पुलिस के ऊपर भी मैं सदके जाऊँ कि उनको सिर्फ यही काम करना है कि जहाँ पर तरीके इंसाफ का सपोर्टर नज़र आए, उसके पास झंडा नज़र आए, बस उसको गिरफ्तार करना है। बाकी शहर में डकैतियाँ हो, लोगों से दिन दहाड़े पैसे छीने जाएं, लोगों को गोली मार दी जाए, लोगों से मोबाइल छीने जाएं, कोई मसला नहीं है, मगर पीटीआई का शख्स नज़र नहीं आना चाहिए। पीटीआई का गुब्बारा जिसने हवा में उड़ाया या जो मोटरसाइकिल पर बैठ कर पीटीआई का झंडा लेकर जा रहा है या कार में बैठ कर पीटीआई का झंडा लेकर जा रहा है, बस उसको रोकना है। पंजाब पुलिस की इस शानदार कारकर्दगी के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।